गाड़ी चलाए, हम भी चलाए गाड़ी। कि मास्टर लोग देता है चलाने? हाँ देते हैं आराम से, मांग सकते हैं आप, बोल सकते हैं मास्टर साहब चलाना है आपको, आराम से बैठिए एकदम चलाइए, देता है देता है। कई बार चलाए WAG 9 लोगों को चलाए, सबसे मस्त लगता है चलाने में। सर वो 12 वाला चला है? 12 गुड्स का जो 12 है, 12 वाला मेरा ड्यूटी ज्यादा हुआ नहीं है, 12 वाला मैं वही 2-3 बार ड्यूटी लगा था गुड्स में जब थे, अभी पैसेंजर में आ गया ना, तो 12 लोगों को पैसेंजर के लिए है नहीं, वो गुड्स के लिए है। तो पैसेंजर में 9 मिलता है, 7 मिलता है, 5 मिलता है, 5 नहीं 4 मिलता है। तो नहीं, सामने सुना कि 12 के अंदर वो जो टॉयलेट वाला चैंबर अलग से है। हाँ हाँ, 12 के अंदर में टॉयलेट वाला चैंबर है, टॉयलेट का है, उसमें व्यवस्था दिया हुआ है। 12 लोगों का मतलब होता है क्या, एकदम मतलब फ्लाइट की, मतलब जैसे फ्लाइट में घुसते हैं ना, मतलब फ्लाइट का जो उसका आपका पायलट बैठते हैं, मतलब साउंडलेस कॉकपिट, साउंडलेस, या फिर आप जैसे एसी बोगी में ट्रेवल करते हैं साउंडलेस, बाहर की आवाजें नहीं आती, जनरल में बढ़ते हैं हाँ होते रहता है, लेकिन एसी बोगी में साउंडलेस होता है। उसी तरह जब 12 लोगों के अंदर जाएंगे ना, उसका कैब जो हम लोग बैठते हैं, एकदम साउंडलेस लगेगा, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब बाहर की क्या हो रहा है, कुछ गतिविधि कुछ पता नहीं चलेगा, इंजन जो अंदर में मोटर सब है क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, बिल्कुल शांत एकदम, जैसे लगता है शून्य में चल गए हैं। और उसका चेयर रहता है बड़ा एकदम VIP, एकदम यहाँ तक एकदम आप जहाँ बैठेंगे इतना एकदम बाहर से ऐसे निकला हुआ चेयर, और जो ऑफिस वाला कुर्सी होता है ऐसे हम कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा सुविधा दिया है 12 लोगों में। तो देखिए हमको लगता है वैकेंसी दे देगा जल्दी, अभी यहाँ आद्रा का स्थिति बहुत खराब है, आद्रा में असिस्टेंट लोग, जो असिस्टेंट लोग काम करेगा वो अभी डबल ड्राइवर से कम करवा रहे हैं, कहने का मतलब असिस्टेंट कम पड़ गया है आद्रा को। खड़गपुर लिया 700 असिस्टेंट, जो वेटिंग लिस्ट क्लियर करना पड़ा उसको, वो 700 खड़गपुर टर्न लिया, अभी आद्रा के पास असिस्टेंट ना होने के वजह से अभी आपका परसों से जहां असिस्टेंट को बुक करना चाहिए वहां ड्राइवर ड्राइवर को बुक कर रहा है, यानी कि ड्राइवर तो एक है ही LP, और दूसरा LP की जगह पे LP को बुक कर रहा है, दो LP एक साथ गाड़ी को चला रहा है, चला रहा है कि आदमी मतलब असिस्टेंट का काम कर रहा है LP, जो कि नहीं करना चाहिए, वो चाहे तो मना कर सकते हैं, लेकिन वही हो गया ना, आपातकालीन स्थिति में आपको देश की सेवा में लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समझे ना। तो वैकेंसी रिपोर्ट बहुत जल्दी, और इसका रिपोर्ट दे दिया है एक्चुअली, जॉन को सौंप दिया गया, आप जॉन बोर्ड को सौंपा ही होगा, हम बताए भी थे कुछ दिन पहले, बहुत बिगड़ परिस्थिति है अंदर में, समझिए ना। देखिए वैकेंसी आ जाना चाहिए, बहुत जल्द आना चाहिए वैकेंसी जी। सर वैकेंसी तो आने तो आज जाएगा, मगर उसका मतलब होगा 2028 में लगता है पूरा। वॉइस और बढ़ा दिया। हाँ जी बोले, क्या बोले? मतलब वैकेंसी चुनावी माहौल देख कर देगा लगता है। एक मिनट, बोलिए बोलिए वैकेंसी। वैकेंसी बोलने लगता है चुनावी माहौल देख कर देगा, और फिर 4 साल बाद एग्जाम लेगा क्या, वही पैटर्न चलेगा क्या सरकार का? रेल हरामी है, समझे ना, रेल हरामी है या सरकार हरामी है, जो बोलिए आप बोल सकते हैं, समझे ना, इसको ना सरकार है सर, रेल का तो क्या, सरकार वैकेंसी सिर्फ LP का देगा ना तो भी रेल बुक कहाँ पड़ेगा, क्या कीजिएगा सब जो है ना, एक आध में नाम दे देगा सर, एक आध में नाम दे देगा वैकेंसी, सर लगभग सबसे कम अगस्त लगा दे लग जाएगा ना सर, एक आध में नाम नहीं देगा, वो ऐसा देगा ना ताकि घिस तान के उसको 24 ठेका दे, हाँ उसको, ताकि बंदे को याद रहे कि देखो भैया मेरा इलेक्शन है, हमने तुमको कुछ दिया है रोजी रोटी, और मेरा भी रोजी रोटी दो, समझे ना, तो वहां तक उसको ठेकाएगा, वो ऐसा समय पे वो वैकेंसी देगा, समझे ना सर। लगभग कितनी वैकेंसी मतलब आने की संभावना? मुश्किल है, अभी देखिए पिछला बार कितना दिया था, 27,000 27 के करीब ही था सर, 27 से बढ़ाया था, फिर बढ़ाया था 47 ऐसे कुछ था, नहीं 47 में 37 ऐसे कुछ था, 35 था। देखिए देना चाहिए वैकेंसी, क्या बोले हम, 50,000 भी देगा तो कम पड़ेगा, देखिए क्या देगा तो उसके हाथ में। सर वो रीजनिंग वाला बताइए पहले, तो जो आप ग्रुप्स में डाले थे, क्या नाम है,
अरे उसका वीडियो बना दिया, एक्चुअली आपका आंसर सही था, हमने पढ़ा ही नहीं ठीक से, ठीक ना? आपका आंसर सही था, हम वीडियो बना दिए और अपलोडिंग भी लगा दिए, अपलोड भी हो गया है, बस उसको छोड़ने का देरी है, हम छोड़ेंगे नहीं। मैथ में कौन चैप्टर चल रहा है सर? आपका ईस्ट आंसर आया था ना? हाँ जी ईस्ट आ रहा था, पूरा आएगा। आपका आंसर ठीक। मैथ में कौन चैप्टर चल रहा है सर? मैथ में अभी आपका ये स्टार्ट होगा, क्या बोलते हैं, प्रो SI, हाँ SI स्टार्ट होगा, साधारण सिंपल इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। आइए हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ लेते हैं। अच्छा फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट लीवर देख लिए थे ना? जी जी। लगता है आज क्लास कम लेना पड़ेगा। फर्स्ट लीवर यानी फर्स्ट क्लास लीवर, हाँ फर्स्ट क्लास लीवर देख लिए थे। अच्छा फर्स्ट क्लास लीवर में क्या था बता सकते हैं? 15 कैंडिडेट है। अच्छा 15 कैंडिडेट आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए भैया फर्स्ट क्लास बन रहा है सबका? सबका नॉर्थ बन रहा है? जी भैया। जी जी सर। ये दीपक कुशवाहा जी। हाँ जी सर। जी सर। जी सर। नोट्स बनाइए ठीक है ना? आप लोग जी सर नोट्स बना रहे हैं। समय कंपटीशन लाइन में बहुत समय दिए हैं आप लोग, हो सकते कोई 4 साल दिए होंगे, कोई 5 साल भी दिए होंगे। एक बार मेहनत कर लीजिए ईमानदारी पूर्वक, जो पैसा दिए हैं और ये जो समय दे रहे हैं ना, पैसा सबसे बड़ी बात नहीं होती। देखो अगर कोई आपका पैसा छीन ले ना तो उसने उतना मत रोना, समय को किसी को मत दो। समय अगर कोई आपका बर्बाद कर रहा है तो समझो आपका लाइफ बर्बाद हो रहा है। पैसा अगर कोई ले लेता है तो पैसा आप कमा सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ रहेगा तो, हाँ तो उसके लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि समय किसी को मत दो, पैसा बर्बाद कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ उसको। 10 लाख लिया भूल जाओ, उस 10 लाख को कमाने का अगर स्किल डेवलप कर लेंगे तो कितना 10 लाख आप बहुत जल्द कमा सकते हैं। इसीलिए ना पैसा आपका, हम पैसा लिया सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना आपने हमको समय दिया है। और ये समय को अगर चाहते कि मेरे अंदर रहे, यानी कि जो हमने दिए ये मेरा हमेशा के लिए बना रहे, हाँ तो आप प्रॉपर काम करो, प्रॉपर काम करो मतलब 100% दो काम में। अच्छा बताइए, इसीलिए ना क्या बोलते हैं, नोट्स रेडी कीजिए, जो पढ़ा रहे उसको रेडी कीजिए, और इसके अलावा कोई बुक को मत देखिए। इसके अलावा आप प्रीवियस पे जाओ, जो हम पढ़ाए उसके सेट उसके जो सिलेबस खत्म किया है उसे रिलेटेड प्रीवियस पे जाओ, प्रीवियस को पढ़ो। वहां पर कुछ आपको लैंग्वेज अलग अलग मिलेंगे, कुछ हो सकता है समझने में प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन देखेंगे, तो फिर वहां पर आपका सॉल्व होगा। और फिर भी नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए, आप अच्छे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्लास लीवर में हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, फर्स्ट एकदम फर्स्ट आंसर दीजिए। भैया फर्स्ट क्लास लीवर में आलम जो होता है वो लोड और मतलब भार और आयास के बीच में होता है, बस यही था और कुछ नहीं था, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसमें हम उतना समझाने के लिए आपको उतना सारा कुछ हमको लिखना पड़ा था, इसमें बस यही था। एक मैकेनिकल एडवांटेज आपको याद रहना चाहिए जो सबका एक ही होता है, ठीक है? क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बोलिए? एक होता है या तो एक से अधिक या एक से कम होता है? मैंने वो नहीं पूछा, मैंने इसका ये नहीं पूछा, मैंने फार्मूला भार बटे आयास सर, मैं फार्मूला भार बटे आयास भुजा बटे भार भुजा, आयास भुजा बटे भार भुजा, भार भुजा भार बटे आयास पहले लिख लो, और दूसरा होता है आयास भुजा, भार भार बटे आयास बटे भार भुजा बटा भार भुजा, भार भुजा यानी कि एफर्ट बटा लोड, आर्म इनटू बटे आर्म, ठीक है? ये चीज होता है, ठीक है? ये चीज आपके होठ पे रहना चाहिए, एग्जाम के लिए वीवीआई है, ठीक है ना? अब फर्स्ट क्लास लेवल में दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन या निम्न में से कौन फर्स्ट क्लास लीवर को इंगित कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें दे देगा आलम फलक्रम जो है या आलम जो है वो लोड और आयास के बीच में होता है, भार और आयास के बीच में होता है, तीन वो ऑप्शन बनाएगा वो, या फिर बोल देगा फलक्रम जो है वो लोड जो है वो फलक्रम और आयास के बीच में होते हैं, या फलक्रम जो है वो सॉरी लोड जो है वो आलम और आयास के बीच में होते हैं, या बोलेगा आयास जो है वो लोड और फलक्रम के बीच में होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यही चीज आपको याद रखना चाहिए, फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में रहता है, उसके अलावा कुछ भी याद मत रखो आप, सिर्फ बीच में रहता है और कुछ भी याद मत रखो। दूसरा बात, इसका मैकेनिकल एडवांटेज तो देखो, मैकेनिकल एडवांटेज ये सबके लिए ओवरऑल के लिए, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वन से ज्यादा से कम और वन से कम, इसके अलावा कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है, वो दो तीन दो बात है इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हो सकता है कुछ एग्जाम्पल पूछे आपसे कि फर्स्ट क्लास लीवर का, फर्स्ट क्लास क्लास लीवर, हाँ लीवर का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
मैं आपको पकड़ने के लिए बता दिया फर्स्ट क्लास, आपको समझ में आ रहा है कि ये फलक्रम बीच में है, फलक्रम बीच में जितना है ले लो, सब कैची है, देखो हाँ कितना फिगर बनाऊ मैं, बनेगा क्या देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कैची का क्या होता है, फलक्रम बीच में है कि नहीं है, हाँ बोलिए जी सर। कैची का फलक्रम बीच में तराजू, तराजू ले लो, तराजू सर, तराजू ले लो, खाली फिगर नहीं बनाते हैं, फिगर बनाते हैं समय बर्बाद। तराजू ले लो, तराजू ले लो, और क्या लिया था, कैची ले लो, कैची ले लो, और क्या बोले, साइकिल का ब्रेक ले लो, कैसे होगा ये, कैसे होगा बताओ, साइकिल का ब्रेक कैसे होगा बताओ, बताओ ये कैसे होगा बताओ। देखो साइकिल का ब्रेक कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये आपका जो क्या बोलते हैं वो हैंडल होता है, इसमें से इस तरह से यहाँ आपके हाथ में रहता है, ये पकड़ने में आ रहता है ना, हाँ बोलिए। और इसके बाद ये करके जो है इस तरह से व्हील में रहता है, ये व्हील में रहता है, ऐसे लगाता है ना। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर जब आप यहाँ पर प्रेस करते हो तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, इस जगह मुड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप देखे होंगे, अगर आप साइकिल चलाएंगे ठीक है ना। और एक यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर, सॉरी ये तो सीधा रहता है ना, यहाँ पर ही होता है, यहाँ पर, यहाँ पर होता है, ये जो आपका ये जो पकड़े हैं जिसको आप प्रेस कर रहे हैं, इसमें से एक सीधा जो नीचे निकला है, यहाँ पर ये कनेक्शन होता है, बैंड रहता है, यानी कि ये जुड़ा हुआ रहता है, जो नट से कसा हुआ रहता है ठीक है। तो लोड हो गया ये, देखो लोड ये हो गया, एफर्ट ये हो गया, यहाँ पर आप आयास डाल रहे हैं, और ये हो गया फलक्रम। समझना पड़ेगा फिगर को, देखो कोई भी चीज ना, आप जैसे आप बोलते हैं साइकिल का ब्रेक, तो उसके माइंड में दोहरा दीजिए फिगर, उसका माइंड में दोहरा दीजिए, उसका कहाँ क्या है, कहाँ एफर्ट है, कहाँ पर लोड है, कहाँ पर, सारे चीज उसका दिख जाएगा ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है समझने में, तो बोल सकते हैं हमको, आगे बढ़ो। नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा और बताइए, और बताइए, और लीजिए एग्जांपल, नेल कटर, हाँ वो तो सर हैंड पंप, हैंड पंप से जो पानी निकालते हैं वो भी मालूम, नेल कटर ना जी भैया, नेल कटर, हाँ हाँ नेल कटर ले लीजिए आप, नेल कटर ले लो, नेल कटर ले लो आप सर, प्लस प्लस सर, प्लस प्लस प्लस, बहुत बहुत अच्छी बात, प्लस ले लो, और बोलो सरसी भैया, हैंड पंप, हैंड पंप है, हाँ हैंड पंप ले लो आप, आप लोग तो सब कुछ जान रहे हैं, हैंड पंप, सुपारी कटर, अरे वाह, नहीं नहीं वो नहीं होगा, वो तो सर आगे रहता है ना सर, वो तो आगे रहता है ना, वो नहीं होगा, और बोलो सेकंड होगा, कल में आएगा भैया, वो सरासी होता है ना, सरासी होता है, हाँ सरासी, सरसी, कील उखाड़ने का वो हथौड़ा, क्लास में ही आ गया सरसी सर, वहाँ कील उखाड़ने वाला हथौड़ी भी होगा, अब बोलो ये कैसे होगा, कील उखाड़ने वाला ये कैसे होगा, उसको सरासी ये कुछ बोलते हैं, हथौड़ा, मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई बुक है क्या, लुसेंट ने दिया है क्या, देखो सरसी सर मिडिल में फिक्स रहता है, फिक्स इसमें में नहीं है भैया, सरासी इसका नाम क्या है, कील उखाड़ने का मशीन बोलते हैं इसको, प्लास की बात ही होता है सर, डंडी तराजू, कील उखाड़ने वाला मशीन बोलिए इसको ठीक है, मशीन बोलिए इसको, मतलब जो काम करते सर, पार्क में जो सर, पार्क में जो झूला रहता है सर, दोनों अरे दोनों 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 तरफ बैठ कर झूलता है, हाँ, सर उसको इंग्लिश में क्लो ह्यूमर बोलते हैं सर, हाँ, वो भी है, कील उखाड़ने वाला मशीन का फिगर किसी के आईटीआई में पड़े डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ू, इससे 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 किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ू या इसको फिगर के थोड़ा समझाना पड़ेगा थोड़ा, कुआं से पानी उठाने वाला घिरनी सर, कुआं से पानी हो सकता है, वो हो सकता है, हाँ वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है आप लोग समझ गए, आइए सेकंड क्लास, सेकेंड क्लास यानी कि द्वितीय वर्ग, या द्वितीय श्रेणी लिखते हैं, श्रेणी ठीक रहता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होगा बताइए, क्या भैया
इसमें लोड बीच में रहता है सर, बस लोड बीच में रहता है और कुछ याद नहीं रखता। सेकंड में क्या होता है, लोड लोड भार जो है वो क्या होते हैं बीच में, आलम और आयास। होता है ठीक है। अब देखो जब आप लोग ये नोट्स बनाते हैं तो आप इसको भी छोटा कर सकते हैं ठीक है ना, सीधा आप ऐसे लिख लो लोड, इसको इधर कर लो आलम कर लो, आलम मतलब यानी फलक्रम कर लो और इधर एपर कर लो, हो गया और इसमें कुछ भी नहीं। अब इसका देखो अलग अलग स्थिति हो सकता है, कभी हो सकता है ये यहां हो, कभी ये यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है हा? या कभी लोड इसके पास हो या कभी लोड इसके पास हो, ऐसा भी हो सकता है। बोलिए होगा या नहीं होगा, होगा ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था, इसका पोजीशन फिक्स रहता है, ये क्या है फलक्रम है, इसका पोजीशन फिक्स रहता है। मैंने पहले कल ही बताया था ना, कल परसों जो पढ़ाया उसी में हमने लिखा था, उसका जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है। जब भी चेंज होगा कौन होगा, लोड होगा और बोलिए लोड और आयास होगा, यानी भार और आयास होगा, यही होगा। अगर इसका फिगर बनाओगे आप तो लोड देखो बीच में रखा आपने, लोड को बीच में रखा तो फिगर बना लो आप। देखो यहां पर जो है वो क्या है फलक्रम है, यहां पर फलक्रम है, लोड बीच में रखा आपने तो लोड यहां ले लो आप, सॉरी लोड है ना तो लोड को यहां ले लो आप ठीक है। यहां क्या होगा बताइए, क्या बचा है आपको, बोलिए आयास, आयास बचा, यही बचा। अब बताइए इसका काम खत्म है, काम तमाम है इसका, इसका काम तमाम है, ये हो गया F हो गया, ये L हो गया, ये E हो गया, या हो, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप इसी को इधर लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी इच्छा है नहीं भैया फलक्रम को इधर डाल दो तो फिर एक ही बतवा पड़ेगा, फलक्रम को इधर डाल दो, लोड खाली बीच में आना चाहिए, एपर्ट यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं जी भैया, जैसे कि हमने अभी साइकिल का ब्रेक बनाया था, हमने डिलीट कर दिया, साइकिल के ब्रेक में क्या था, फलक्रम बीच में था, फलक्रम बीच में था, लेकिन यहाँ पर मेरा लोड बीच में आ रहा, फलक्रम साइड हो गया। तो सेकंड क्लास यही कहता है ना, सेकंड क्लास क्या कर रहा है, यही कह रहा है, सेकंड क्लास यही कह रहा है आपका। अब फिगर को भी माइंड में रख सकते हो कि सेकंड क्लास क्या कहता है, लोड बीच में रहता है। अब देखो इसको नापोगे कहां से नापोगे, नापेंगे आप यहां से, नापेंगे ना यहां फलक्रम, फलक्रम फिर यहां से इसका हां यही नापेंगे। बोलिए अगर मैं इसका आर्म की बात करूं, अगर मैं इसका आर्म की बात करूं तो चलो थोड़ा एक स्टेप इसको मैं बढ़ाता हूं, हां इसी फिगर को देखो, इस फिगर को मैं एक स्टेप को बढ़ाता हूं, जहां आप एपर डाल रहे हो इसको हम ऊपर कर दिए थोड़ा, हां देखो फिगर समझ जाओगे ना तो फिर ना माइंड से डिलीट जब नहीं होगा ना तो एग्जाम में गलत नहीं करोगे। यहां पर आपने एफर्ट डाल दिया, इसको बिंदु को ए नाम दे देते हैं, लोड यहां आ गया ठीक है, और कहीं कुछ नहीं देते, हाँ कुछ नहीं दे रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है, इसको हमने ए दे दिया ठीक है। अब बताओ इसका आर्म क्या होगा, इसका आर्म क्या होगा, अगर मैं लोड आर्म का बात करूं, लोड आर्म क्या होगा बताइए, लोड आर्म क्या होगा इसका, बोलिए लोड कहाँ है, यहां है, हाँ एल एफ होगा, यहां से नापोगे ना आप, यहां से नापोगे तो क्या होगा, एल एफ हो जाएगा, एल एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर मैं आयास आर्म की बात करूं, एफर्ट आर्म की बात करूं, ए क्या होगा बताइए, एफ, ए एफ हो जाएगा, हाँ ए एफ कर दो, और इसमें कुछ बचा होगा नहीं, नहीं बचा। अब देखो जब नहीं बचा इसका क्या, चलो ऐसे हम तो ऐसे हमको दिख रहा है कि इसका वैल्यू जो होगा वो वन से कम होगा,
लोड आर्म ना, लोड आर्म, लोड आर्म बटाई पर नहीं नहीं वो वन से अधिक हो रहा है, वन से अधिक हो रहा है, हमको ऐसे दिख रहा है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका कुछ मान रख देता हूँ मैं, ठीक है। बोलो क्या मान रखोगे, कुछ रख देते हैं, यहां से लेकर के लंबाई जो है वही तीन लेते हैं, वही पहले वाला ही ले रहे हैं, हाँ तीन लेते हैं, चलो एक दो होगा, ये वन होगा। अब वो समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बताओ इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ए बटा ए बटा एल एफ होगा, एफ आर आर्म बटा लोड आर्म। हाँ बताओ एफ आर आर्म कितना है, ए एफ है ना, ए एफ है ना, तो ए एफ का वैल्यू कितना है, ए एंड एफ का वैल्यू कितना है, तीन, तीन है, तीन, एल और एफ का वैल्यू कितना है, वन, एक है, वन, वन। तो आपने डालो डालेंगे ए एफ बटे एल एफ, ए एफ बटे एल एफ, यहां डाल दो ए एफ बटे एल एफ, ठीक है। ए एफ का जो वैल्यू निकला अभी आपके सामने, ए एफ का वैल्यू तीन, तीन, और इसका वैल्यू वन है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो मिला वो हमको क्या मिला, बोलिए, तीन मिला, तीन मिला, तो तीन मिला यानी वन से अधिक मिला, हाँ वन से अधिक मिला। इसीलिए हम बोल सकते हैं ना सेकंड क्लास का जो लीवर होता है, हाँ उसका मैकेनिकल एडवांटेज वो वन से अधिक होता है, बोलिए अधिक होता है। इसको लिख आप ना नोट्स बनाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, शॉर्ट में, शॉर्ट में नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं, या सिर्फ ये लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं पूरा लिख देता हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बाद में तो मैं पूरा लिख देता हूं। सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ वन से, यही पर रहते क्या लूसेंट में अधिक होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादातर लड़का गलत करके आता है, गलत करके आता है इसलिए है, पढ़ा है उसने, कंफ्यूजन में चला जाता है। मेरा बैटरी लो इसी में होता है लैपटॉप का, भैया क्लास का बाद लैपटॉप को चार्ज दे दीजिएगा तब याद रह जाएगा। जब आप फिगर को माइंड में रखेंगे, ये जो फिगर बना है इसको माइंड में जब रखेंगे तो आपका आपसे गलती होगा ही नहीं। अब बताओ इसका एग्जांपल क्या क्या आएगा, इसमें एग्जांपल क्या क्या आएगा सब बताइए, क्या क्या इसमें एग्जांपल आ सकता है, जिसमें लोड इसमें आ जाएगा, सुपारी वाला मशीन इसमें आ जाएगा। और बोलिए सुपारी काटने वाला मशीन में क्या होता है बताइए, श्रोता कुछ इस तरह से होता है ना, श्रोता कुछ इस तरह से होता है, देखो कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये गैप रहता है बीच में, इसे सुपारी को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं ऐसे ऊपर और नीचे करते हैं, इसको करते हैं ना, तो ये जो है क्या है, लोड है, यानी कि आपने बीच में कुछ रखा है काटने के लिए, तो ये जो हो गया लोड का कम कर दिया, जो एफर्ट आपने डाल रहे हो यहाँ पर, फलक्रम जो साइड में है यहाँ पे बच्चा, यही है ना, देखो फिगर में, फिगर में देखो, फिगर में देखो, फलक्रम साइड में है, फलक्रम साइड में फेंका गया, तो सुपारी काटने का मशीन जो सरोता बोलते हैं। और कोई कुछ सर, एक ये नींबू निचोड़ने वाला जो आता है हमारे पास, वो भी हाँ, वो भी आप ले लो, नींबू निचोड़ने वाला मशीन ले लो आप, दूसरा ऑप्शन ले लो आप, वो भी बीच में रखा जाता है, नींबू निचोड़ने, निचोड़ने वाला मशीन, मशीन वो भी आप ले सकते हो मशीन। और किन्हीं का कुछ है सर, गेट सर, एक गेट नहीं होता सर, गेट, हाँ गेट आ जाएगा आपका, गेट आ जाएगा, गेट में तो दूसरे चीज में काम करेगा, गेट आ जाएगा, ये दरवाजा क्या काम करेगा, बोलिए बोलिए, देखो दरवाजा कैसा होता है, देखो यहाँ, देखो फिगर माइंड में लाओ, ये क्या है यहाँ पे, यहाँ कब्जा लगा हुआ है ना, हाँ आप एफर्ट कहाँ पे डालेगा, यहाँ पे ना, ये पूरा पूरा क्या हो गया, लोड हो गया ना, लोड बीच में आ गया ना जी, ये फलक्रम साइड फेंका गया ना, जहां घूम रहा है फलक्रम है, साइड पे का गया, यही तो है आपका फिगर, देखो यहाँ पे देखो फलक्रम साइड पे का गया, लोड बीच में है,
यानी कि जिसको आप पकड़े वो क्या हो गया, पूरा पूरा लोड हो गया, वो बीच हो गया, जिस ये आपने एफर्ट यहाँ पे डाला उसके बीच में लोड है, फलक्रम साइड में गेट का दरवाजा आ जाएगा। और बोलो साइकिल का पैड कूड़ा फेंकने वाला जो मशीन होता है ना, यानी कि गाड़ी आप बोल सकते हो या मशीन बोल सकते हो, कूड़ा फेंकने वाला यानी कि सर ट्रॉली से, ट्रॉली से जो आदमी द्वारा वो भी आ जाएगा। हाँ वो भी आ जाएगा, बीच में चक्का लगा रहता है सर, चलता है कूड़ा फेंकने वाला मशीन बोल सकते, कूड़ा फेंकने मतलब कि आप लोग पकड़ लिए यही काफी। फेंकने वाला एग्जाम में कुछ भी नया आपके सामने मिले तो आप गलत ना करें, फेंकने वाला मशीन नॉर्मली जो एग्जाम में पूछते हैं यही दिशा पीटा जो आपके सामने है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसा अगर नया सामने रख दे तो उसका फियर माइंड में दौड़ा, ठीक है ना। अब देखो कूड़ा फेंकने वाला मशीन का कैसा रहता है, ऐसा कुछ रहता है, आप लोग देखे होंगे नगर निगम में घूमता है गांव घर में, कुछ ऐसा चक्का रहता है, चक्का रहता है और इस तरह से ये बना रहता है, इस तरह से बना रहता है, यहाँ ऐसा एक कुछ ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ऐसे पकड़ने वाला रहता है, ऐसे पकड़ने वाला रहता है। व्यक्ति क्या करता है, वो यहाँ पर पकड़ता है, वो यहाँ पर पकड़ता है, इसके द्वारा एफर्ट डाला गया, ठीक है। अब देखो लोड हो गया, ये पूरा पूरा लोड हो गया, लोड वाला हिस्सा हो गया, ये जो घूम रहा है ये फलक्रम का काम कर रहा है, हाँ फलक्रम का काम कर रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन, हाँ फलक्रम का काम कर रहा है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तो बताइए, हम ही पूछते हैं आपसे, क्या एएलपी में ही काम आएगा ये, सिर्फ ये बताइए हमको, या ग्रुप डी में ही सिर्फ काम आएगा, क्या आधार एग्जाम में काम नहीं आएगा, आएगा। इसीलिए बोलते हैं ना थ्योरी पढ़ो, जितना थ्योरी पढ़ सकते हैं जितना पढ़ेंगे उतना कम पड़ेगा, इंटरेस्ट जगाइए पहले। और देखते हैं हम कुछ लिखे हैं तो हम भी दे देते हैं, नहीं ठीक है काफी है, हाँ काफी है। चलिए थर्ड क्लास में चलते हैं, लीवर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, बोलिए इसमें क्या होगा, अब तो एक ही बच्चा, क्या बच्चा, क्या बच्चा, मेरा आवाज जा रहा है क्या, आयास आयास बीच में होगा, आयास आयास एफर्ट, आयास बीच में होगा जी भैया, एफर्ट होगा जी सर, बस क्या बच गया, जी 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 सर यही दो वो चीज बच गया, बस हो गया इसका कल्याण है, और कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं। ये भैया बीच में होगा, बड़े भैया को बीच में रखा, सब भाई दोनों भाई साइड में आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख देना एफ एल, हाँ बीच में आ गया कौन, ई आ गया, ये ब्रांच हो गया दोनों, हाँ इस ब्रांच से ये निकला है। अब देखो अब हमने पढ़ लिया, फर्स्ट क्लास पढ़ लिया, सेकंड क्लास पढ़ लिया, थर्ड क्लास पढ़ लिया, पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। बताओ इसमें आपने कहा कि ई जो है यानी एफर्ट जो है यानी आयास जो है वो बीच में होगा, तो आप फिगर जब बनाओगे तो उसमें आयास जो डालोगे आप बीच में डालोगे, हाँ वो फलक्रम जो होगा वहां ले लो, यहां ले लो आप, यहां ले लो, लोड जो है वो साइड में आ गया, साइड में आ गया लोड, लोड कुछ इस तरह नीचे लटका देते हैं, चलो नीचे लटका दिया हम लोड, लोड के नाम पर इसको हम नीचे लटका दिया, इसका नाम ए रख दिया, हाँ इसका नाम ए रख दिया, एफर्ट यहाँ पे डाल दिया, फलक्रम दिया। अब बताओ लोड आर्म क्या होगा, यहाँ पे टेप होगा, लोड आर्म का होगा, लोड आर्म का होगा, हाँ सही पकड़ा, ए एफ क्या होगा, ए एफ होगा। और बताइए एफ होगा वाला क्या होगा, ये ई एफ होगा, ई एफ होगा, ई एफ हो गया। अब पूरा का वैल्यू अगर मान रख के बना करोगे आप तो ठीक है, ना रखोगे वो भी ठीक है, रख कर रहे थे रख के ही कर रहे हैं, चलो कर देते हैं, हमने पूरा तीन लिया था तीन रख दिया है, बीच में है कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको हमेशा यहां से नाप रहे हैं ना, तो ये वाला वैल्यू देखो हमेशा बड़ा होगा, यानी तीन का तीन ही रहेगा, ये वाला वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा। आप इसको सेंटर में रखोगे तो डेढ़ डेढ़ कर लो, आप इसको थोड़ा इधर रखोगे तो दो एक में बांट लो, ठीक है, मतलब एक वैल्यू आपको समझा रहे हैं। हालांकि अगर ऐसा देखा जाए
फिगर को अगर ध्यान से दोहराओ तो ए एप जो है, देखो यहाँ पे ए एप जो है वो बड़ा है किससे, ई एप से, है कि नहीं है, ए एप बड़ा है कि नहीं है, हमेशा बड़ा। तो आप जब मैकेनिकल एडवांटेज का बात करोगे, मैकेनिकल एडवांटेज का जब बात करोगे तो आपने लिखे, आप लिखेंगे अभी अयास भुजा, अयास भुजा बटा भार भुजा, भार भुजा, अयास भुजा आपका क्या है ये बताइए, अयास भुजा, अयास भुजा क्या ई एप है, ई एप छोटा है किससे, ई एप हो गया बटे ए, यानी कि साफ है कि भैया मैं इसको अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, नहीं तो मैं रख देता हूं, अगर मैं इसको दो कर दूं, ये वन कर दूं या डेढ़ डेढ़ कर लो, चलो डेढ़ डेढ़ कर लो, डेढ़ डेढ़ कर लो, चलो सेंटर में ले लिया, डेढ़ डेढ़ कर लिया, लेकिन वो क्या होगा बताओ, डेढ़ जो होगा वो ऊपर होगा, तीन जो होगा नीचे होगा, अगर इसको आप उड़ाओगे इस तरह उड़ाओगे यानी कि कटाओगे तो 1.2 यानी 0.5 मिला, यही कुछ मिला हमको, एक से छोटा होगा यानी एक से कम मिला, क्या मिला हमको, एक से कम मिला, मेरा पेज भर गया, कोई दिक्कत है इसमें, बैकिंग के बाद गलती नहीं होना चाहिए, बस एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जाम में छूटा तो जी भैया। तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज मिला हमको पहले रूप से थर्ड क्लास था ना, थर्ड क्लास का जो मैकेनिकल एडवांटेज मिला वो क्या मिला हमको, वन से, सॉरी वन से कम मिला, क्या मिला, वन से कम मिला, है कि नहीं, जी बस हो गया। अब इसको अगर लैंग्वेज में लिखोगे, लैंग्वेज में लिख लो थर्ड क्लास श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, वन से कम कम, बस यही तो था। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल बोलो, पहले इसका एग्जांपल बोलो, चिंता होगा मतलब समझ रहे, फिगर आ रहा माइंड में, राग को ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे उठाते हैं, पकड़ते हैं जी, राग फिर ये पानी, ये किचन में यूज करता है ना, पानी गर्म किया हुआ है तो ऐसे पकड़ के उसको निकालना है, ये ऐसा होता है। देखो मैं कोशिश करूंगा बनाने का, ये कुछ ऐसा होता है, ये यहाँ पे घुमा हुआ रहता है, यहाँ आप एफर्ट डालते हो, यहाँ पर आप एफर्ट डालते हो, यहाँ से ऐसे चूटा की तरह पकड़ते हो, ये जो टुन्नी रहता है इसका कुछ ऐसा बना रहेगा, इससे जो पकड़ेंगे आप इसमें फंस जाएगा, तो फलक्रम का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है, यानी कि ये वाला ऐसा घूम रहा है, मेरा घर ही रहता है इसे बताते हैं, ये फलक्रम का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एफर्ट का काम कर रहा है और ये लोड का काम कर रहा है, लोड का। तो हमारा फिगर क्या था, देखो एफर्ट बीच में है, लोड इधर है, फलक्रम साइड में है, एफर्ट बीच में है, तो बीच में है, बीच में है, बीच में आ गया। और कुछ, फिशिंग रॉड सर, हाँ फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड कीपिंग, फिशिंग सर, फिशिंग, हाँ फिशिंग रॉड वो क्या होता है सर, मछली पकड़ने वाला जो हमारे मछली पकड़ने वाला रॉड, मछली पकड़ने वाला रॉड, हाथ होगा, हाथ, इंसान हाथ। अच्छा वो विदेशियन वाला बात कर रहा हो, जो आता है क्या वो बना हुआ गांव में जो सर बंसी होता है, जी सर, जी सर, कोई रूइन दिया, हां गांव में जो बंसी होता है उसमें कहां यूज हो रहा है, ना होगा उसमें, लोड उसमें आ जा रहा है, और बीच में आ जा रहा है, हां पकड़ कर ना, और बोलो कुछ और बोलो सर, बेंचा सर, इंसान का हाथ होगा, हाँ क्या बोले आप, बेंचा बोले, बेलचा, बेलचा जो बेंचा मसाला नहीं उठाता सर, दलाई के मिक्सर मशीन में बीचा लगाता है, जिसमें लोड रहता है सर आगे,
और एक हाथ से एक पीछे बेलचा नहीं रहता सर, उसमें तो फलक्रम होवे न करेगा बीच में, मतलब फलक्रम है ही नहीं। इसका कोई और नाम होता है क्या? ट्रैक्टर पे बालू नहीं लोड करते हैं तो फलक्रम होगा, पीछे हैंडल ही फलक्रम रहता है उसका। बेलचा क्या आता है हमको पता नहीं है, किचन का सामने एक प्लेट टाइप का लगा रहता है जिससे पैर से लात मार के घुस जाते है, नहीं देखे जो ट्रक वाले सर नहीं लोड रोड में उतारते हैं गिट्टी उट्टी बालू, डीप वार पर होता है, डीप वार पर। ट्रक ट्रक का डाला होता है उसमें क्या होता है? अच्छा ट्रक का डाला है वो नहीं भैया, पर उसमें से बालू जो नहीं उतारते हैं जो रहता है सर, बालू उठाने का चीज है। अच्छा बालू जो उठाता है, बालू जो उठाता है अच्छा उसको बेलचा बोलते हैं ना। जी भैया। अच्छा उसका फिगर कैसा रहता है जी? चम्मच के जैसे रहता है बड़ा वाला सर, चम्मच के जैसा। ओहो आप समझ आया थोड़ा थोड़ा, हाँ वो इस तरह से कुछ रहता है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे अच्छा इसको बेलचा बोलते हैं। बेलचा जी 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 सर। बढ़िया चीज सिखा देखो, यही सब चीज होना चाहिए, सीखो सिखाओ। कुछ कुछ उधर सिखा दिया कीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं हम सब कुछ जानते ही है। बहुत सुंदर, इसको क्या बोलते हैं? बेलचा बोलते हैं। हाँ इसको क्या बोलते हैं? थर्ड श्रेणी में आएगा, थर्ड श्रेणी में आएगा यानी कि ये लोड हो गया, ये लोड हो गया, आप पेपर तो यहाँ डाल रहे हो, और क्या था बीच में इसमें? बीच में नहीं घूमता इसमें, सीधा सॉलिड है, फलक्रम तो है ही नहीं। हाँ एकदम, फलक्रम पीछे रहता है, पीछे का हैंडल ही फलक्रम रहता है, पीछे बीच में एफर्ट रहता है, पीछे में लकड़ी जैसा गोल जैसा लकड़ी रहता था वही घूमता है उसमें सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको समझने से पहले हम एक चम्मच बनाते हैं, छोटा सा एक चम्मच बनाते हैं। देखो चम्मच के थ्रू इसको समझो, चम्मच भी थोड़ा टेढ़ा रहता है, या फिर आप ये बना नहीं सर, या इसी को समझते हैं, इसी को अगर समझो और बेलचा थोड़ा एक हैंड से उठता है, बेलचा एक हैंड से नहीं उठेगा ना, उसे दोनों हैंड लगेगा, एक आलम काज करेगा एक लोड का काम करता है। देखो इसका जो फलक्रम जो है ना वो फलक्रम यहाँ पे काम करेगा, लेकिन इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे घुसा के उठा लेते हैं ना, इसका वर्किंग कैसा है? बालू में नहीं, नहीं सर डायरेक्ट नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, घुसा है फिर मिडिल में एक हैंड से एफर्ट दिया जाता है और फलक्रम पीछे रहता है, जहाँ पे आप ई लिखे ना वहीं पे फलक्रम रहता है, यहाँ पे रहता है ना। देखो भैया हाँ। इसका फिगर मेरे माइंड में है नहीं, हमने देखा देखा है अब ढंग से देखा नहीं, नहीं सर इसका एग्जांपल किताब में लिखा हुआ है सर, एक बार नेट पर फिगर नेट पर देखिए तो ठीक है ना, आप ना इसका फिगर ना होगा तो इसमें मारना मोबाइल में सर्च करके ग्रुप में फेंकना फिर ना, तो अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है ना, तो हम बाद में समझा देंगे, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, ठीक है बस बस ये फिगर को याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर जो है वो यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग चलोगे आप। उसके बाद हमने जैसा कि कहा कुछ नया है, ये फिगर सर नहीं बनाए क्या? इसका फिगर तो बनाए थे ना ग्रुप में, बेलचा का फोटो भेज दिए सर, भेज दिया एक मिनट, बहुत सुंदर प्यारे है। ओ यहाँ पर है फिगर, ये तो सब कुछ सामने है क्या? आप भी जो है ना सही बोल रहे सौरभ मुखर्जी, देखो तो फलक्रम हो गया, एपॉर्ट हो गया, लोड हो गया, हाँ हो गया, कमेर हो गया, देखो तुम
आप लोग बोल ही नहीं रहे हो ना यहाँ यहाँ ये तो ठीक बोल रहा है, यहीं पे घुमाने वाला होता है ये जो ताक पाच क्या वही तो भैया। हाँ ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है ना ये देखो एक ऐसे कुछ बना हुआ है हैंडल टाइप का, ऐसा कुछ हैंडल टाइप का बना हुआ है है ना। तो यहाँ पर जो आपने हैंड डाला फिंगर डाला हाँ, यहाँ पर ये फलक्रम का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है फलक्रम का काम कर रहा है। और यहाँ पर आप एक हाथ से पकड़ेंगे, एक हाथ यहाँ डाला एक हाथ यहाँ डाला, नहीं यहाँ पर आपने क्या किया आयास डाला एफर्ट डाला, तो यहाँ पे क्या होगा ये क्या बचा लोड बचा वो तो गया, क्लियर है। तो इसमें क्या था आपका बीच में क्या था, बीच में क्या था बताओ, थर्ड क्लास में क्या था बीच में एफर्ट था आयास आयास हो गया। अब बताओ इसमें हैंड भी आ जाएगा ना, हैंड भी इसी में आता है। जी जी भैया जी जी हाँ, मनुष्य का तीसरा जो है वो है मनुष्य का हाथ, ये कैसे आएगा इसका एग्जांपल बताओ, इसका कैसे आएगा हाथ सबके पास है, इसमें फिगर नहीं ढूंढना तुम गूगल पे बताओ। देखो इसमें क्या है, अगर यहां से अगर वो फलक्रम है, अगर यहां से अगर बात करोगे तो ये क्या चीज का काम कर रहा है ये बताइए, फलक्रम फलक्रम कर रहा है। और ये जो है देखो इस पे पैन रख दिया, ये लोड उठा लिया ने, लोड जो एफर्ट जो लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, ठीक है ना। तो एफर्ट जो लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, तो ये मनुष्य का हाथ इसलिए किसमें आ गया, थर्ड क्लास लेने में जो कि बीच में होता है एफर्ट, ठीक है। और तुमको नहीं लगता इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसमें याद रखने की चीजें क्या क्या हो गया, एक तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन से कम होता है हाँ, दूसरा बात कि इसका सारे एग्जाम्पल देख लो, तीसरा बात कि इसमें आयास जो है वो बीच में होते हैं, तीन बात सब में है। अब देखो याद कैसे रखना है, कई कई बार ऐसा भी हो जाए कि चलो भाई थोड़ा सा इसका कुछ अगर शॉर्ट मिल जाए तो मिल जाए, तो इसका शॉर्ट देखो पहले तो हम इसको बांट लो, आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, इसमें आप एप, इसमें एप लिया आपने, इसमें एल लिया, इसमें ई, आप इसको सीरियल से बैठा लो एफ एल ई, एफ एल ई हाँ सीरियल से बैठा लो बस एफ एल ई, ठीक है कोई दिक्कत है इसमें, बस यही और कुछ नहीं, इसका सबसे शॉर्ट है। एफ मतलब बीच में, एफ है बीच में फलक्रम है, लोड मतलब बीच में बाहर है, और ई मतलब बीच में आयास है और कुछ नहीं। अब देखो फर्स्ट क्लास से जब चलोगे आप एग्जाम में जैसे पूछेगा फर्स्ट क्लास से चलोगे तो इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ का मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का बात करो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज का बात करो तो इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ का मतलब वन भी होगा, वन से अधिक भी होगा, वन से अधिक भी होगा और वन से कम भी होगा, कम भी होगा, सब कुछ होगा। द्वितीय में क्या मिलेगा हमको, द्वितीय में क्या मिलेगा हमको, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मिलेगा, तृतीय में हमको सिर्फ एक से कम मिलेगा, कम मिलेगा, यानी कि सेकंड वाला में प्लस मिलेगा और थर्ड वाला में माइनस मिलेगा, सेकेंड में प्लस मिल रहा है थर्ड में माइनस मिल रहा है, और फर्स्ट में प्लस माइनस जीरो सब मिल रहा है, कोई दिक्कत हाँ नहीं ठीक है। देखो भैया तृतीय श्रेणी का फल बताइए ना भाई, फल क्रम भार है हमको न समझ में आ रहा है, आपने फल क्रम आयास भार भुजा लोड ये सब क्लास पहला क्लास में बताया हमने, आपने वीडियो नहीं देखा। और यहाँ तक आप थर्क यहाँ भी जो आपने पढ़ रहे हैं क्लास को, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, फिगर को समझा था आपने, फिगर था यहाँ पे ये समझा आपने, FEL बोलिए जल्दी बोलिए, बोलिए समय मत लीजिए, फलक्रम फर्स्ट वाला फलक्रम आगे है, एफर्ट बीच में है, लोड अंतिम में है। मैंने सर बोलना चाह रहे कि आपको फलक्रम का मतलब मालूम है क्या चीज है, हाँ जहाँ बीच में मूविंग पॉइंट को फलक्रम कहते हैं, बस वो ठीक है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना तृतीय का, हमको उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बेल चार दिए से हम लोगों ने रखा, बेलचा था, चिमटा था, हाथ था, हाथ था, एक आपका ये क्या था, एक इसको बेलचा बोलते हैं, बेलचा बेलचा बोलते हैं, ठीक है। और तृतीय था आपका ये हैंड था, हैंड था, हाथ
तो ये तीन चीजों में आपने क्या नहीं समझे, कौन फिगर नहीं समझे ये बताइए हमको। चिमटा आपके घर में है, जैसे आपको पानी आपने जैसे आप चूल्हा से कोई एक राख निकालना है पकड़ के, उसको कैसे पकड़ेंगे? तो चिमटा जो होता है देखो, तो ये पैन है, हाँ ये पैन है, इस तरह से होता है वो, इस तरह से ये ज्वाइंट होते हैं, ये भाग ज्वाइंट होगा, ये ज्वाइंट होगा और ये इस तरह से होगा कुछ। आप क्या करेंगे, आप इस पर एफर्ट डालेंगे, इस पर डालेंगे तो ये सट जाएगा, उसके बाद इसमें जो भी पकड़ेंगे वो पकड़ा के ऊपर उठ जाएगा। तो ये जो बन गया ये लोड वाला भाग हो गया, जहाँ आपने प्रेस किया ये आयास बन गया, और जो ये ऐसे झुक रहा है, खुल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये एफर्ट का कम कर दिया, ये सॉरी पदक्रम का कम कर दिया, आलम का कम कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी में क्या अंतर है? स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम नहीं दिख रहा तुमको? स्ट्रक्चर नहीं प्रॉब्लम आ रहा है देखने में? फलक्रम चेंज हो जा रहा है, लोड चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो रहा है, उसमें लोड बीच में रहता है ना। सेकंड अगर आप बीच में आए हैं क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो पहला क्लास आपको देखना पड़ेगा, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आएगा तो पर्सनली हम आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ध्यान हो सकता है कहीं और, आप जो है क्लास को देखिए ही नहीं, हम बार इतना बक रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, इसमें हमने कहा आपका सब सब लिखा भी, फर्स्ट क्लास तो पढ़ा चुका था पहले हमने, इसमें हमने लिखा था कि फलक्रम बीच में होता है फर्स्ट क्लास में, सेकंड में हमने कहा, सेकंड में कहा कि वो लोड बीच में होता है, तो अंतर हो गया, उसमें फलक्रम था इसमें लोड था, साफ अंतर हो गया। उसका मैकेनिकल एडवांटेज ऑल होता है, वन वन माइनस वन प्लस, इसका मैकेनिकल एडवांटेज सिर्फ वन प्लस होता है, यानी एक से अधिक होता है। और क्या अंतर चाहिए आपको, और बोलिए, और कुछ अंतर चाहिए? थर्ड क्लास का तो उसमें क्या आएगा, आलम बीच में आएगा, क्या आएगा थर्ड क्लास में बीच में क्या आएगा ये बताइए, क्या बचा उधर? एफर्ट होगा, एफर्ट आयास, आयास हो गया बीच में, इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो वन प्लस होगा, और वो भी हमने लास्ट में हमने लिख दिया कि भैया ऐसे याद रख लो आप, यही तो अंतर है। यहाँ पे साफ अंतर दिख रहा है, फर्स्ट क्लास में एफ आ रहा है, सेकंड क्लास में एल आ रहा है, थर्ड क्लास में ई आ रहा है, सारे सारे सेंटर में, सेंटर मतलब मध्य में है, अब केंद्र में मत मान लेना, ठीक है, क्लियर? अभी भी कुछ अगर दिक्कत है तो हमको नहीं लगता है, अब क्या बोलू मैं, अब इसमें आपको क्या बोलू मैं सर, अब मैथ चालू कीजिए। हाँ अभी नहीं, पर फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे अब, और हम एक चीज बोल रहे हैं, हाँ वो जो प्रशांत है ना, वो पहले क्लास में नहीं आया था, तो उसको इसमें ज्यादा मतलब इसी मॉडल ऑफ प्रॉब्लम हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा किसके बेसिस में ये अलग अलग बोल रहे जो प्रशांत थे, प्रमुख थे, प्रशांत प्रशांत थे, चला गया क्या? नहीं नहीं है, नहीं नहीं गए, हम पक्का है कि वो ना जो एग्जाम्पल के अंदर जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एग्जाम्पल और इसमें क्या फर्क है, इसमें इससे सोच रहे, लेकिन उसने स्ट्रक्चर से सोचना पड़ेगा तब जाके हो जाएगा। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया, आपका ध्यान ना पे नहीं था, मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया, अब जब बताओ कि इतना चिल्ला चिल्ला के हम बक रहे हैं, एक ही चीज बक रहे हैं, हम कैसे बताए, ठीक है, उस पर आप ध्यान कहीं और रखोगे, क्लास खत्म हो जाएगा तब बताओगे, पूछोगे क्या दोनों में अंतर क्या है, वही वाला कहानी हो गया, रामायण खत्म हो गया, सीता को अंति पते नहीं चला, तो गलत बात है ना, आप उसी समय हमको टोक दो ना, उसी समय टोक दो। अब देखो अभी आपके लिए अगर मैं बताया फिर भी, और फिर भी रिपीट करूंगा तो फिर थोड़ा सा खराब लगता है, समझे ना, क्या मैं हम बताने कोई कमी नहीं किया, ये उत्तोलन खत्म हो गया, लीवर खत्म हो गया, ठीक है, आप फर्स्ट क्लास का वीडियो देखिएगा, सेकंड क्लास आज देख लीजिएगा, जो आप आज तो आप देख ही लिया, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए, एक बार और मौका दिया, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन क्लास पूरा देख के, क्या हम पूछेंगे उस टाइम, फर्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ाए हमको याद है, हम पूछ लेंगे उस टाइम, उसके बाद आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, क्या समझ में नहीं आया, क्या अंतर आपको समझ में नहीं आया, क्या एग्जाम्पल आना चाहिए किस में, तो आपको हम बताएंगे, पुनः आपको समय देंगे हम अलग से, कोई दिक्कत प्रशांत जी, प्रशांत जी कोई दिक्कत, प्रशांत जी मेरे बात को सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, हाँ तो आप उनसे प्रश्न कीजिएगा, हम आपको समझ देंगे, ठीक है, प्यार से पढ़ेंगे, वैकेंसी सामने है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, प्यार से पढ़ेंगे हम लोग,
अच्छा बताइए एसआई में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? कुछ नहीं पढ़े, मतलब आप लोग पहले से क्या पढ़े? सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे होगा स्पेलिंग? आई एन टी ई आर ई एस टी, यानी कि एस आई। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पी आर टी, यही पढ़ रहे हैं पी आर टी बटा 100। और कोई कुछ पढ़ रहे हैं तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही पढ़े भैया, यही पढ़े हैं, कोई कुछ नहीं पढ़े, अच्छी बात है, और यही होता ही है एक्चुअली। और क्या पढ़ेंगे इसमें? पी क्या है इसमें और आर क्या है? मल्टीपल, और मल्टीपल रेट होगा, अति टाइम होगा। पी क्या है? प्रिंसिपल है, यही है जी, यानी कि मूलधन है जी, समय रहता है 6 महीने, मूलधन है। पी आर क्या है? रेट है, यानी क्या है ये? दर है। टी क्या है? समय, समय मतलब समय होते हैं, समय मतलब समय होते हैं, कुछ भी नहीं इसका मतलब, समय मतलब समय। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? एक परे समय रहेगा अगर 6 महीना तो दर दुगना हो जाएगा। बहुत सुंदर, क्या होता है? अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अरे भैया इंटरेस्ट तो ये सब मिलेगा तो एक बने उसी को अमाउंट का रेट हो गया है। सर इन्हीं चीजों पे घूमती रहती है पूरी सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा मूलधन जो होता है वो किस प्रकार का हो सकता है ये बताइए, मूलधन कितने टाइप का हो सकता है? मूलधन के प्रकार का ना होगा जो हम राशि देंगे, क्यों आप ले नहीं सकते हैं क्या? इतना तो नहीं है, आप ले नहीं सकते हैं? लेंगे भी तो फिर वही होगा, मूलधन को कितने तरीके से हम पुकार सकते हैं? जैसे हम बोलेंगे प्रशांत, प्रशांत का निक नाम प्यारा सा नाम कोई रखी होगी, क्या नाम है प्रशांत जी? घर का नाम गोलू, घर का नाम गोलू है, ऐसे नाम प्रशांत है। और कोई रखी है क्या? कुछ ना, कोई ना, कोई ना। सर आप तो सर इंटरनल बातें पूछ रहे हैं इनसे। सोनू कुछ कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखी है, कोई नहीं, मतलब कहने मतलब अगर रखी भी होगी कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं कहने, मतलब वो इंगित कर रहे हैं आप ही को, ऐसा नहीं दूसरे को इंगित कर रहे हैं, है कि नहीं है प्रशांत जी? वो इंगित कर रहे हैं आप ही को, यानी कि आप राशि ले सकते हैं, राशि ले रहे हैं तो वो मूलधन ही है, दे रहे हैं तो भी मूलधन है, दे रहे हैं तो भी मूलधन है, लेने वाले जो लेंगे वो भी मूलधन ही होगा। जैसे कि आप 5,000 दे दिए तो हमारे लिए वो मूलधन हो गया, वो ऋण हो गया, ऋण भी हो सकता है, ऋण मतलब कर्जा, हाँ बोलेंगे ना 5,000 रुपया उधार दे दिया तो वो भी मूलधन ही है, तो ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है। ये बोलेंगे क्या? एक चीज और आपको दिख रहा है, यह बोलते हैं पूंजी निवेश करते हैं, बोलते हैं 5,000 का पूंजी निवेश करते हैं, पूंजी निवेश वो भी मूलधन है। ये सारे सारे किस में आएगा? मूलधन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा जी? भैया जी सर आएगा, जी भाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बचाओ पी हो गया, अब इसमें क्या बचा? आर बचा, आर तो सिंपल है, आर क्या है? हमने कहा दर है, दर मतलब क्या? ये क्या है मतलब क्या है? इसमें कुछ बताइए, कोई ब्याज नगद है गांव में 5% का ब्याज पर, ब्याज हो गया। हमने ब्याज पूछा ही नहीं, हमने आर पूछ रहा है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किस दर होगा आर का मतलब? बोल सकते वही मतलब कहने का मतलब, जो हमने अमाउंट लिया, सॉरी अमाउंट नहीं, जो वही प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है, हाँ इसको फिक्स कर दिया जाता है, चलो कुछ एक निश्चित परसेंटेज पर, क्या बोलते हैं, निश्चित परसेंटेज पर फिक्स कर देता है कि चलो भाई इतना परसेंटेज पर हम तुमको दे रहे हैं, हाँ
एक निश्चित परसेंटेज पर फिक्स परसेंटेज पर फिक्स कर करके हम उस राशि को दे देते हैं कुछ समय के लिए, जिसको कि हमको कैलकुलेट करने में आसान होता है। बोलते हैं हमको उससे क्या मिलता है, ऐसा ही मिलता है। ये नहीं मिलता है जी, आपने कहा पहले ही पीआरटी बटा इससे हमको क्या मिलता है, ऐसा ही मिलता है। यानी पी जो है उसको हम कुछ परसेंटेज पर फिक्स कर देते हैं। हम तुमको दे दिया, चलो 5000 दे दिया, कुछ परसेंटेज पर फिक्स कर दिया, कुछ समय के लिए दे दिया। अब परसेंटेज फिक्स किए हैं तो परसेंटेज परसेंटेज है, मतलब नीचे 100 लगेगा ही लगेगा, लगेगा ना। तो यही तो हमारा ऐसा ही मिलता है, इसी को ऐसा ही बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आर जो है वो मूलधन पर एक फिक्स परसेंटेज होता है। क्या होता है मूलधन यानी पी पर फिक्स यानी निश्चित क्या होता है, दर होता है। क्या होता है, दर होता है। अब टी के बारे में क्या बोलूं, टी तो सब जान रहे हैं, समय। समय यानी कि एक वर्ष के लिए दिया, दो वर्ष के लिए दिया, तीन वर्ष के लिए दिया, या टी आप ऐसे भी देख पढ़े होंगे, छह माह। पहले मैं समय लिख देता हूं इसको, पहले मैं समय लिख देता हूं। टी यानी समय, वार्षिकांक यानी कि ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकते हैं, और छमाही भी हो सकते हैं। छमाही कैसे लिखेंगे, छमाही, हाँ ये भी हो सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जब सवाल बनाते हैं बस इसका इतना ही। ए जो होता है, ए क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्र धन होते हैं। हाँ हम यहाँ पे लेते हैं, फिर मेरा पेज भर जाएगा, मैं पहले ही कर लेता हूँ तो सेपरेट। अमाउंट होते हैं, अमाउंट का अमाउंट किसको बोलते हैं, मिश्रधन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मिश्रधन को बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, मिश्रधन कब बनेगा, जब हमने जो आपको रुपया दिया है, जो मूलधन दिया, मूलधन प्लस ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने मूलधन दिया है, जो मूलधन दिया है, उसके बाद इस मूलधन पर जो ब्याज निकला, हाँ जो ब्याज निकला वही तो हमारे मिश्रधन के बराबर है। किसके बराबर है, मिश्रधन के बराबर है। यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, हाँ जो हमने आपको पैसा दिया है, हाँ उस पर जो इंटरेस्ट निकला हमारा, सॉरी उस पर जो ब्याज निकला, वो टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा मिश्रधन के बराबर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम इतना रुपया कमाए। हाँ अभी देखो यहीं पर आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ दो थोड़ा सा, पी बराबर क्या होगा, ए माइनस एस आई होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और एस आई बराबर, एस आई बराबर क्या होगा, ए माइनस पी होगा, क्या होगा, ए माइनस पी। अब इसमें इसके अलावा कुछ खेला है नहीं, है अभी भी है, अभी भी है, लेकिन उसको हमको अभी नहीं पालना। ये था नॉर्मल चीज था, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, जो आप नॉर्मल सवाल या हर चार सवाल तक जाएंगे आप, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग को इसमें कुछ जानना नहीं है। थोड़ा कुछ मैं बताऊंगा इसमें कि अगर मैं बोलूं कि दर जो है यानी रेट जो है वो रेट को आर से डिनोट करते हैं ना, मैंने लिखा भी था यहाँ पे, हाँ 5% है, ठीक है। वहां पर परसेंटेज में 5% का मतलब होता था 1/20, यहाँ पर भी बदलेगा क्या, वही होगा ना जी भैया, यहाँ भी वही होगा, लेकिन वहां पर इसको परसेंटेज रिजल्ट शो करता था, प्रतिशत रिजल्ट परसेंटेज रिजल्ट को शो करता था, ठीक है ना, इसको शो करता था, इस पर हम लोग सवाल बनाते थे। यहां पर 5% का मतलब 1/20, यहां पर इस दर को डिनोट करेगा, किसको करेगा, दर को डिनोट करेगा, सॉरी दर तो पूरा हो गया 5%, दर तो पूरा हो गया 5% एक वर्ष का समय, 5% की दर से, हाँ ये जो है एसआई को डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, एसआई को करेगा, किसको डिनोट करेगा, एसआई को करेगा, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट को करेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी साधारण ब्याज कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदलाया, क्योंकि चैप्टर बदला गया है। ये जो है वही प्रिंसिपल है, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होगा, ये अमाउंट है। हाँ मैं बढ़िया से लिखता हूँ, थोड़ा सा भर गया वो,
मैं बोला, मैंने कहा 5% का मतलब लिखूंगा 1/20, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करेगा और ये जो है प्रिंसिपल को डिनोट करेगा, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो अमाउंट निकल जाएगा, पी प्लस एस आई को अगर जोड़ दो तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट क्या निकलेगा, 20+1=21, यानी अमाउंट हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। बस इन्हीं पे सवाल अगर बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप पीआरटी जो पढ़े हो उस पे बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी बनाओगे आप, इस पे भी बनाओ। एक छोटा सा सवाल हम अपने मुंह से लिखते हैं और बनाते हैं हम लोग, दोनों पे बना के देख लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आपको जो आसान लगेगा उसी पे काम कीजिएगा। सवाल लिखते हैं थोड़ा सा, 2000 की राशि, हाँ 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 5% की राशि, 2000 की राशि 5% साधारण ब्याज, हाँ 5% साधारण ब्याज, क्या 5% की साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें, तथा मिश्रधन, मिश्रधन बोलिए क्या हो, कैसे बनाए। 200 क्या कैसे बनाया आप लोग, आपने इस पे बनाया, इस पे बनाया या इस पे फॉर्मूला पे बनाया, पीआरटी पे भी बनेगा, सब उसी पे बनाया, ठीक है। हम भी पीआरटी बाय 100 देके बना हुआ है, ठीक है, हम भी उसी पे बनाते हैं। यहाँ पे दिया क्या क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, हाँ यानी अमाउंट दिया हुआ है, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपया और रेट दिया हुआ है 5% और समय दिया है 2 वर्ष। पूछा क्या है, एस आई पूछा है और क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, ये दो चीज पूछा है आपसे, ठीक है। तो दो चीज पूछा है, तो दो चीज पूछा है, तो हम लोग पी आर टी पर अगर जाते हैं तो पी आर टी पर कैसे बनाएंगे, हमको सीधा है पी आर टी बटा 100 कर देंगे, तो क्या करेंगे, पी क्या है मतलब 2000 है, हाँ आर क्या है मतलब 5 है, समय क्या है, टी है 2 है, इसको आप ऐसे कर दिया, इसको उड़ा दिया ऐसे, 5 × 10 × इतना मतलब 10 × इतना मतलब 200, यानी एस आई मिला हमको 200। मिश्रधन का बात क्या, क्या कर दिया आप, जोड़ दिए, यही क्या होंगे ना, जोड़े होंगे ना जी, ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। एक सर मतलब समझा नहीं, हाँ नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, देखो समझ में नहीं आया ये इसे बोला सर, ये बोले 2 वर्ष रखे हैं तो वहाँ 24 नहीं लिख सकते हैं, वार्षिक काम का जी, महीना पे आपको ही पूछा है, यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं, वर्ष के लिए दिया गया, महीना का बात कहें क्या है, महीना का बात करेगा तो आप वैसा करोगे, महीना कहेगा तब 24 लिखेगा, ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष कहेगा तो 2-3 रखेंगे, क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाना चाहते हो, कहीं देखे हो क्या ऐसा, अगर कहेगा यहाँ पर 5 वर्ष की जगह 2 वर्ष की जगह 8 माह लिखा रहता, 8 माह लिखा रहता या 5 माह लिखा रहता या 6 माह लिखा रहता, फिर कहे कहता यही कि इतना वर्ष के इतना 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 8 माह के लिए दिया जाता है, तो भी आप उसको महीना में उसको वर्ष में बदलते हैं, 8/12 करते हैं, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, मतलब उसको हमेशा आपको वहीं जाना पड़ेगा, आपको वहीं जाना पड़ेगा,
तो हम जो सवाल दिया उसको आप क्यों तोड़ोगे, आप वो नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पर देखो मिश्रधन जब बनाओगे तब मिश्रधन और फॉर्मूला तब पी प्लस एस आई, तो पी जो है मेरा वो कितना है 2000 है, 2000 है। एस आई जो निकला वो क्या निकला 200 निकला, 2000 प्लस 200 कितना होगा 2200 होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर, नो सर। लेकिन अगर मैंने कहा जैसा कि देखो यहाँ पर क्या क्या था, मैंने कहा था इस पे बनाने के लिए तो इस पे क्या दिया था, इस पे हमने कहा था ये जो ऐसा ही होता है, ये जो होता है वो प्रिंसिपल होते हैं। हाँ देखो 5% दर को हमने तोड़ा था, हमने दर को तोड़ा था, यहाँ पर दर जो है वो 5% है, दर को तोड़ा था ना, दर जो है वो 5% है, तो 5% का मतलब 1/20 होता है, कितने वर्ष के लिए, ये क्या है ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल है, यहाँ पर कुछ बात इसने कहा, इन्होंने कहा दो वर्ष के लिए, दो वर्ष के लिए, तो दो वर्ष के लिए भैया तो इसको दो से मल्टीपल करोगे तो दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है अमाउंट दिया हुआ है, हमने कहा था यहाँ पर कि ये जो है आपका ये जो होता है सॉरी अमाउंट है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है पी होता है, तो पी जो है यहाँ पर 2000 है, यानी 2000 यानी 20 यूनिट का जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर है, 2000 के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1000 होगा, सॉरी एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 होगा, 100 होगा, बोलो जी जी जी। हमने कहा ऐसा ही है दो, अब बताओ दो यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसको गुणा कर दो कितना आएगा, 200 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो ऐसे सवाल को जब एग्जाम में बनाओगे तो आपको पीआरटी ना करना पड़े, उसके लिए क्या करना है, 5% का मतलब 1/20 होता है, हाँ 20 यूनिट का जो वैल्यू है वो 2000 है, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, दो से कट 100 होगा, 100 होगा, तो कह रहे दो वर्ष के लिए, तो ये सिंपल है नॉर्मल है, ये दो वर्ष का बात कर रहे हैं तो दो से इसको मल्टीपल करो, दो आ गया, एक गुना दो, दो, दो वर्ष का पूछा है ना, एक यूनिट का वैल्यू 100, दो यूनिट का वैल्यू कितना 200, तो 200 जो हो गया इसका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया ब्याज हो गया, ब्याज हो गया। अब अमाउंट का बात करें तो अमाउंट आप सीधा जोड़ दो, जैसे आपने जोड़ा है वैसे जोड़ दो आप, लेकिन लेकिन अगर आपसे ब्याज ना पूछे, मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें ब्याज ना पूछे, तो ब्याज पूछा था तो ब्याज के बाद अमाउंट पूछा था तो आपने जोड़ करके निकाल करके उसको जोड़ दिया, ठीक है। अगर ब्याज ना पूछे डायरेक्ट कहेगा अमाउंट बताओ, तब आप क्या करोगे, तब भी ऐसे करेंगे, हाँ तब भी ऐसे करेंगे, इसीलिए तो एग्जाम नहीं निकलेगा। और देखो कुछ सीख लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं, हाँ मैंने इसमें कहा कि आप इसको भूल जाओ, ब्याज को भूल जाओ, सिर्फ इसमें से ऑप्शन ए ना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका ना इसी में बी बना देते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है, इसी में बी बनाते हैं। इसमें आपको बताना है ब्याज ये काट दे रहे हैं, ब्याज हट गया, सीधा बताओ कि उधार दिया गया, देखो मैंने कहा मूलधन जो है वो 2000 रुपया है, ठीक है, दर जो है वो 5% है, समय जो है वो 2 है, हमको सीधा मिश्रधन चाहिए। आपको एग्जाम में कहा कि 2000 रुपया की राशि साधारण ब्याज और 5% के दर से दो वर्ष के लिए दिया गया है, तो मिश्रधन क्या होगा, हमको नहीं चाहिए, सॉरी ब्याज नहीं चाहिए, सीधा कहेगा मिश्रधन बताओ, अब बताओ, अब बना तो एक यूनिट, एक यूनिट का, एक यूनिट का वैल्यू हमको पता है 100, तो 22 से 100 से गुना कर देंगे 2200 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 100 दिया है ना भैया, आप कहां जा रहे हो, फिर आप मिस्टेक कर दिया आपने, हमने कहा था 20% का मतलब 5% का मतलब 1/20 जी जी जी, इसी पे बनाए थे, इसी पे इसका यूनिट इतना दिया है, तो एक यूनिट का, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा ये बताओ, एक यूनिट का वैल्यू 100 हो जाएगा, ये दो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा ही है, वो सिंपल दो वर्ष में, दो वर्ष के करने के लिए दो से गुना करोगे, लेकिन ऐसा ही जो है वो दो होगा, दो होगा, तो दो यूनिट का वैल्यू आप 200, तो ये तो आप बता दें हमको ब्याज, हमको ब्याज नहीं चाहिए ना, आप हमको अमाउंट बचाओ बताओ डायरेक्ट, वे नहीं सर, 20 प्लस 2 कर दिया 22, तब 100 से गुना कर दिया वहां पे, हाँ 20 प्लस 2 कर दिया 22, यानी जो हमने अभी बताया था, हमने अभी यहाँ पर लिखा था, कहाँ यार चल जाता है, यहाँ पर लिखा था अमाउंट बराबर 20 प्लस 1 यानी पी प्लस एस आई, तो जान नहीं रहे पी ये हो गया एस आई ये हो गया, अब देखो पी ये हो गया यहाँ पर, कितना हो गया 2 हो गया, 20 हो गया, ऐसा ही कितना हो गया 2 हो गया, तो 20 में 22 हो गया, तो 22 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 100, 22 यूनिट का वैल्यू कितना 2200, आप ऐसे ही निकालो। एक तरीका इसका और है, अगर आप चाहो तो उसको भी बना सकते हो, वो भी आसान है, ऐसा नहीं वो भी हार्ड है, जब ऐसा ही का बात कर रहा है तो वो जुट रहा है, जब सॉरी जब अमाउंट का बात कर रहा है तो वो जुट रहा है,
जुट रहा है। हमने क्या कहा पी आर टी बटा 100 बराबर ऐसा ही है ये मेरा। अभी देखो आपसे पूछा है अमाउंट, अमाउंट के लिए आपने इसको किया, यानी कि जो पी है, पी हमने, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, एक्चुअली जरूरत है नहीं सबका, मैं बताऊंगा फिर सबको। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ जी बोलिए, हाँ जी क्लास हो रही है, आप बाद में कॉल कर सकते हैं, थोड़ा क्लास हो रहा है। कुछ आप 7 बजे के बाद, 7 बज गए, 8 बजे बात कर सकते हैं, 8 बजे तक कर सकते हैं, ठीक। क्या निकाल रहे थे जी, मिश्रधन निकाल रहे थे ना, हाँ मिश्रधन निकाल जी। देखो मिश्रधन इससे तो हमको ऐसा ही मिलता है, क्या मिलता है इसको, ऐसा ही मिलता है, लेकिन हाँ लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूंगा, हाँ ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूंगा तो मूलधन तो है ही मेरा, हाँ इसको जो है 100 + R × T करोगे बटा 100 तो ये आपको मिश्रधन देता है, डायरेक्ट मिश्रधन देता है। हाँ अब देखो कैसे देगा, देखो यहाँ पे पी क्या है 2000 है, हाँ 100 × R T, आर टी, आर कितना है मेरा, देखो यहाँ पे आर कितना है मेरा, आर कितना है मेरा 5 है, टी कितना है 2 है, आर टी यानी 5 × 2 = 10 10 + 100 यानी 110 बटा 100 100 था नीचे, देखो यहाँ पे नीचे था 100 तो ये और ये कट डालो तो देखो 11 × 22 पर 2 को 0, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ये सीधा है, ये भी सीधा है, लेकिन इसको बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि ये चीज करना है, ये चीज माइंड में रखना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो इसको कैसे करना है, एग्जाम में करना कैसे है, यहीं पर बनाते हैं इसी जगह, एग्जाम में ऐसे करना है भैया, जब डायरेक्ट मिश्रधन का बात करें ना तो 5 × 10 और सीधा पीछे में 1 लगा दो यानी 110 यानी 2000 × 110 / 100, ठीक है 11 × 22 कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे बनाए होंगे आप लोग, कौन कौन बनाए थे, ये कौन कौन बनाते थे, मेरा आवाज नहीं जा रहा क्या, सब कट गए क्या, कैसे ला रहे हैं आप, हेलो सर 110 कैसे ला रहे हैं थोड़ा बताइएगा। अच्छा ये तरीका बताएं कौन कौन बनाते थे ऐसे, हम तो भैया पीआरटी में करवाते हैं, इसमें नहीं किया था, और कोई बनाते थे कोई, नहीं सर नहीं बनाते सर। मनोहर जी, जी भैया बनाते थे, सौरभ जी पीआरटी पीआरटी पे ही कर देते, सौरभ जी सौरभ मुखर्जी चले गए ना सर, ये बोल रहे हैं कि 100 क्यों ऐड किए आप, 100 क्यों ऐड किया, बहुत सुंदर सवाल है, प्रमुख प्रमुख जी नौ सर, ठीक है प्रमुख, ठीक है हाँ देखो 100 क्यों ऐड किए, कहाँ पे ऐड किए, यहाँ ये वाला पूछ रहे हैं या और कोई पूछ रहे हैं, आप ये वाला पूछ रहे हैं सर, बोले थे ना कि वो 100 आप आरटी 100 प्लस आरटी, हाँ रूट्स है क्या ये हाँ ये हम क्यों किया ये बता सकते हैं आप, ये क्यों किया आप बता सकते हैं, कि वो तो सर रूट्स है ना, हाँ तो यही रूल्स है ना भैया, देखो ये रूल्स है, ये अगर रूल्स है आपके नजर में तो यही रूल्स है, ये देखो ऐसा ही निकलता है, इससे ऐसा ही निकलता है और इससे मिश्रधन निकलता है, इससे हमको ऐसा ही निकलता है, जब आप 100 प्लस करके करोगे तो आपको मिश्रधन देगा, ये भी रूल्स है, समझ आ रहे हैं, आपने देखा नहीं है अभी तक इसलिए आपके लिए सोच रहे हैं हम कुछ किया, हम कुछ नहीं किया इसमें। अच्छा उसको जो मॉडिफाई किए कैसे क्या मॉडिफाई, यही नहीं समझ में आया, अरे मॉडिफाई हमने नाम रख दिया तो कैसे किया, हाँ वही जैसे कि यानी कि बनाया था कैसे, यही नहीं समझ में आया, अच्छा रुको देखो ये सब में बेसिक है, आप कर लो आज क्वेश्चन से, लेकिन जब सवाल बनेगा ना घर हल्ले से उड़ेगा, फिर आज कर लो क्वेश्चन, जब उसमें हमको मूलधन देवे किया है तो फिर उसमें एक तो कहा है देखे मूलधन से मूलधन का तुलना कर, देखो सवाल पढ़ो पहले, देखो सवाल पढ़ो, सवाल आपने पढ़ा ही नहीं, मूलधन दिया था 2000
समय दिया था 2 वर्ष, रेट दिया था 5%, और ये आपका क्या पूछा था, मिश्रधन पूछा था। जब वो मिश्रधन का बात करे, मिश्रधन का बात करे, तो देखो हमने कहा कि SI बराबर पर आपने PRT बटा 100, तो नॉर्मल है SI हो, इससे हमको SI प्राप्त होता है। ये R और T जो है भैया, ये जो दर है, इस दर और समय जो SI हमको देता है 5 × 10, ये हमको SI निकला। और हमने कहा मूलधन बराबर, सॉरी मिश्रधन बराबर होता है P+SI, तो SI हमको 10 है। पी हमने ये जो दिया है इसको ना लेकर के हमने 100 ले लिया। क्या ले लिया बोलो, क्या ले लिया हमने, 100 ले लिया। तो मिश्रधन जो है वो हमको ले गया सीधा 110। अब ये जो दिया है भैया मूलधन जो दिया है वो 2000 रुपया दिया है, ठीक है, 2000 रुपया दिया है। तो ये हमको जो प्राप्त करेगा वो डायरेक्ट हमको मिश्रधन पर ले जाएगा, क्योंकि हमने मिश्रधन के साथ कैलकुलेट कर दिया इसको। तो इससे जो हमको आंसर आएगा वो डायरेक्ट हमको मिश्रधन पर ले जाएगा। तो ये जो कट गया 11×22, तो ये 22 जो निकला डायरेक्ट मिश्रधन निकला। बात समझ में आ रहा है जी भैया? तो ये अगर आप 100 ऐड कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको मिश्रधन पर ले जा रहा है। आपको ये ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है। जो ब्याज निकालोगे फिर आप जोड़ोगे, उसका जरूरत ही नहीं है। क्यों हम एक समय थोड़ा और बर्बाद करें, ठीक है? तो ये चीज माइंड में भी रखने की जरूरत नहीं है कि P × R+100 + RT/100, ये रखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट गुणा करो उसको और +100 कर दो उसमें, डायरेक्ट, ठीक है? यानी 5×10, देखो यहाँ पे 5×10, 10 का मतलब 110। अगर मिश्रधन पूछे तो हाँ, 10 का मतलब 110 इंटू 2000, ये कट गया 2200 आ गया। देखो एक सवाल और लेते हैं हम, चुट्टा सा सवाल लेते एकदम तुच्चा। देखो 5000 की राशि हाँ 3% या 12.5% लेते हैं, नॉर्मल नहीं लेते हैं, थोड़ा सा रखते हैं 12.5%, 12.5%, चलो 12.5%, 12.5% हाँ के साधारण ब्याज, साधारण फंस जाओगे क्या, नहीं चलो इसी पे बनाओ, इसी पे समझो, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष ही रखते हैं, 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो मिश्रधन क्या होगा, ए यानी अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन 6250 ऐसा ही पले जाते हैं, नहीं नहीं डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट किया डायरेक्ट जी, डायरेक्ट 5000 × 125/100 हाँ डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है। देखो हाँ देखो इसमें आपको क्या क्या, प्रशांत जी कौन क्वेश्चन कर रहे थे अभी, अभी क्वेश्चन कौन कर रहे थे, अब बोलेगा ही नहीं, मैं कैसे बता, भूल गए क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे, आपका आंसर क्या आया, अभी हम निकाल ही रहे थे, निकाल ही रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, PRT ना जैसे बताया अभी वैसे, PRT पे, फिर वही चला गया, क्या फायदा मिल रहा है पढ़ने से। प्रशांत जी आप यहाँ देखो, प्रशांत है ना प्रमुख है, प्रशांत है जी, आप यहाँ देखो, आप उससे मर जाओ, ठीक है, पैसा दिया तो कुछ उसका यूज करो। देखो यहाँ पे यहाँ क्या क्या दिया है, पहले अमाउंट क्या है, माइक बंद कर लीजिए, किसका है, मैंने अमाउंट दिया है और क्या है, रेट दिया है, रेट दिया है 12.5%, आप इसको ऐसे लिखो या 12.5 लिखो परसेंटेज में, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया, टी दिया, और तो कुछ दिया नहीं है, टी दिया है 2 वर्ष और अमाउंट पूछा है आपसे, ठीक है, अमाउंट पूछा है। देखो 12×24, 24.5 को क्या लिखोगे आप, 124.5 किसने लिखा, सबने लिखा, सॉरी 25 होगा ना, 5 × 25 होगा ना जी, 125 हाँ 25 का 125 125 अब क्या है, अमाउंट है 5000 × 100 बटा 100 है ना, 100 देखो 25 यही लेके हम उस पे कर रहे थे, अगर यही डायरेक्ट इंटीजर देते हैं तब फिर हम उसी कर देते हैं, कटता रहा है नीचे, बताओ इसमें क्या था, इसमें क्या था, कुछ था 12×24 मतलब 12×24 25/2 होता है, गुणा करोगे तो ऐसे भी ये कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा 25 हो जाएगा,
अगर आप भिन्न पे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 25 आएगा, क्या दिक्कत है, गुणा करें, क्या दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है? प्यारा सा एकदम चुट्टा सा सवाल था, था कोई दिक्कत? मिश्र धर्म को ये हो गया। अब कहोगे कहोगे देखो सबसे आसान तरीका यही है, लेकिन आप जाना चाहते हो उस पे, तो उस पे भी बना लो। 25% आया था ना इसको, सॉरी 12.5 यूनिट का वैल्यू जो है पूछा है हमसे, और 8 यूनिट का वैल्यू है 5000। देखो 8 यूनिट का जो वैल्यू है, 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 यूनिट का वैल्यू कितना, 5000 × 10/8 625 आएगा, तो यानी 6250। 4 × 8 = 4, 2 × 8 = 2, 5 = 10, 4 × 8 = 8, 4 × 4 = 8, 5 = 20, इतना देखो आ गया वही 6250 है। तो मैं आप इस पे बना सकते हो या इस पे बना सकते हो, सबसे आसान तरीका ये है, ये वाला प्रोसेस इस पे बनाना, ठीक है? ठीक है। अभी देखो इस पे एक सवाल थोड़ा सा, इसको और मैं थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करूंगा, सिर्फ नजरिया चेंज करूंगा, सवाल वही रहेगा, थोड़ा आपका नजरिया बदल जाएगा थोड़ा। देखो आप भी जब पढ़ोगे ना, बहुत पढ़ोगे ना, तब जैसे मैं कर पा रहा हूँ ना, आप भी कर पाओगे। पढ़ोगे बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, मेरे पढ़ाई के अगर बारे में पूछेंगे ना, मैं डेली जब पढ़ता था ना, 10 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा मैं ऐसे पढ़ता था, मैं इससे कम नहीं होता था, क्योंकि कम ही था पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और साथ में पढ़ाना भी, पढ़ाते भी थे, तो पढ़ाने के बाद जो समय मिलता था हम यही करते थे। अब पढ़ाते थे मतलब वो छुटकुन मंग नहीं पढ़ाते थे, नवोदय वाला को पढ़ाते थे, सैनिक स्कूल का जो बच्चा उसको पढ़ाते थे, और इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ाते थे, वही मतलब 3 तक पढ़ाते थे, 3 तक, उससे ऊपर नहीं मिला भी नहीं, और हम कभी ट्राई भी नहीं किया, और कभी अपना औकात भी उससे ज्यादा हमने नहीं देखा। तो 3 क्लास वाले इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते थे, बाकी नवोदय सैनिक और 10th क्लास 10th 9th 9th 8th यहाँ तक हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, पढ़ाए। तो देखो हमेशा हम बोलते हैं ना, मेहनत से कतराओ ही मत, जहां जब समय मिल रहा है उस दे दो। तुमको अगर कोई आर एन ट्यूशन के लिए बोल रहे हैं ना, तो पढ़ा दो उसको, उससे आपका रिविजन होगा। यही तो एक अति है ना, लोग चाहता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहता है, सोचता है अरे मैं उसको समय दूंगा, मेरा तैयारी कब होगा, नहीं, उससे आपका रिविजन होगा, कुछ ऐसा चीज सीखेंगे वहां पर, जो छोटा छोटा चीज, जो आपका कंप्रेशन लाइन में जो आपने लोशन का यूज करते हैं वहां पर कुछ ऐसा शब्द रहता है जो आपको समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने लीवर को पढ़ाया, लीवर के बारे में अपर लोशन में लिखा नहीं है, लेकिन जब आप वो नीचे लेवल के क्लास को पढ़ाओगे तो वहां पर अगर वो सिलेबस आ जाए तो वहां पर उसको विस्तारित दिया जाता है बच्चे को समझने के लिए। तो जब पढ़ोगे आप तो भी तो आएगा, हम वो चीज आपको बता रहे हैं जो चीज आपको नहीं बताता है। कोई भी टीचर के पास जाते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उसके पीछे का ये एक वजह होता है, और हम ये चीज आपको बता रहे हैं, और इस तब भी अगर कम नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, अपाहिज है आप लोग, अपाहिज के, अपाहिज को क्या है, आप कुछ भी बोल दो, अपाहिज का मतलब अपाहिज, कुछ कर ही नहीं सकता वो। इसीलिए यहां से अपाहिज बनना बहुत खतरनाक होता है, यहां से अपाहिज मत बनो, यहां से स्ट्रांग रहो, हमेशा करना है मतलब करना है। देखो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूंगा मैं, ज्यादा नहीं करूंगा, क्या इसको ठीक है, कुछ राशि, हाँ कुछ राशि, एक व्यक्ति कुछ राशि, हाँ अच्छा सिंपल ही रखते हैं, हाँ सिंपल ही रखते हैं, 10% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए देता है जिसका मिश्र धन इतना है, तो मूलधन ज्ञात करें फास्ट ज्ञात करें। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ राशि 10% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया देता है, जिसका मिश्रधन 6578 रुपया है। 5060 रुपया
5060 सबका कितना आया? 5060 होगा, 5060 आएगा भैया। कितना आया इसका, कितना आया, क्या नाम था इसका, प्रशांत जी कितना आया? 5060 आया। कैसे बनाए? 6578/130/100 श्योर इत आ गया कोई से 926.6 है कौन में तो नहीं है याद रखना बिल्लू गए उठे रे भैया पैसा तो बिल्लू हो गया पॉइंट में आ रहा है सर और एक मिनट भैया एक मिनट आप लोगों ने देखो क्या कर दिया इसका मतलब आप लोगों ने गलत कर दिया अच्छा ये बताओ यहाँ पर हमने क्या रखता था यहाँ पर हम क्या रखते थे मूलधन ना हाँ जी तो एक्स मान लेंगे वहाँ पे यहाँ पर मूलधन रखते थे ये मिश्रधन के बराबर है नीचे 100 है और यही पूरा निकलता था कैलकुलेट होके मिश्रधन और ये मिश्रधन हमको दिया हुआ है देखो कह रहे हैं कि जिसका मिश्रधन वो 6578 रुपया है यानी कि ए जो है वो 6578 है 6578 है पी हमसे पूछा है और रेट और समय दिया हुआ है रेट है कितना 6 × 9 = 10 है 10 है समय है 3 बताओ क्या होगा 10 + 30 = 30 यानी पी इंटू 130/100 = 6578 हमने कहा थोड़ा मॉडिफाई करूंगा मैं अरे भैया यहाँ पर हमको मिश्रधन प्राप्त होता था देखो गौर से हमको मिश्रधन मिलता था ये जो है ना ये मिश्रधन है यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो मिश्रधन देता था हमको तो मिश्रधन हमको यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन हमसे पूछा है नौटंकी चालू हो गया अब बताओ इसको कटा लो इसको कटाओ इधर 13×5=65 जीरो तक छा कटता ये भी कट गया इसको इधर गुना करो तो 50 × 0 = 60 ये होता है यानी मूलधन ये हो गया यही आया था भैया बोलिए किसको समझ में नहीं आया क्लियर ये नहीं सुमन जी बना ये यही बना था भैया 50 × 60 किसको समझ में नहीं आया फर्स्ट टाइम में 50 × 60 हां आंसर दिए थे भैया 50 × 60 कैसे बनाए थे जी बनाए थे भैया 1365/130/100 हाँ वो भी ठीक है वो भी ठीक है और सबका बना था जी सर बहुत सुंदर सुजय माता जी बहुत सुंदर असीम कुमार चल गए क्या असीम जी था हाँ चल गए फिजिक्स में बच्चा जमा रहता है मैथ का नाम लेते भाग जाता है तीन तो भाग गया तीन तो में एक उसको हो सकता है सौरभ को कुछ काम होगा वो तो नहीं भागता था बाकी दो को भाग गया ठीक है आज ना क्लास इतना ही रहने देते हैं बाकी ना इसमें छोटा छोटा चीज पहले हम लोग देखेंगे जितना होगा छोटा छोटा चीज हम लोग इसमें देखेंगे ठीक है ना अभी है इसमें बहुत कुछ है अभी कभी अभी रेट निकालना है कैसे है हाँ समय निकालना कैसे है ठीक है छोटा छोटा बेसिक चीज जितना है ना जो हम लोग नहीं देखे हैं उन चीजों को देखने के बाद फिर हम लोग जैसे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में घुस गए अंदर वैसे घुसेंगे कैसे किस्तों में तोड़ना है किस्त वाला सवाल होते हैं एक होता है सवाल कि इतना धनराशि 5 वर्षों में 10 गुना हो गया हाँ तो कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगा है ना ऐसा भी सवाल रहते हैं सब थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग ठीक है तो आगे क्लास में मिलेंगे कल तो क्लास होगा नहीं क्योंकि खड़गपुर ड्यूटी लग गया है खड़गपुर जाना है 4 बजे भोर का ड्यूटी लग चुका है ठीक है तो कल तो क्लास होगा शिरोमणि लेके जाना है और फिर परसों क्लास होगा फिर शाम में होगा 6 बजे लंबा रूट चलने लगा क्या लंबा रूट तो बोल सकते हैं 170 किलोमीटर है तो बोल ही सकते लंबा है जी भैया लंबा हो गया ना पहले 45-50 किलोमीटर जाता था और 4-5 दिन के अंदर में आप लोग के सामने एक ऐप भी आ जाएगा मेरा ठीक है उसके बाद ऐप पे पढ़ाई होगा ऐप पे साथ में गूगल मीट दोनों पे होगा
गूगल मीट में पता है तो ऐप में उतना है ऐप में सिर्फ मैसेज ही कर पाते हैं मतलब दोनों क्लास में जी जी भैया कोई दिक्कत नहीं ठीक है तब हम लोग ना मिलते हैं ना रिवीजन कीजिए आपके पास वो कौन सा बुक है आप लोग के पास आरएस अग्रवाल सर आरएस अग्रवाल है जो भी बुक है जिसके पास प्रीवियस ईयर जो भी बुक है बनाना जरूर बनाना यूथ का भी है भैया प्रीवियस ईयर और सुनिए ना हां सुनिए ना जो प्रोसेस बताए हैं प्रशांत जी खास करके आप जो प्रोसेस बताए हैं वही प्रोसेस पे काम करना समय बहुत कम लगेगा जब आप पकड़ लोगे ना बहुत कम समय लगेगा यानी देखो कि 5000 राशि जो है दो वर्ष के लिए 5% दर पर दिया हुआ है पीआरटी होता 100 क्या करोगे आप 5 × 10 हाँ 5 × 10 और जो अभी आप प्रोसेस बताए या 5% तो 1/20 5000 तो 1 मिनट का वैल्यू कितना आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्यों उस पे जाएंगे आप जी भैया ठीक है थैंक यू ओके गुड नाइट साहब आराम कीजिए सब पढ़ाई कीजिए मस्त रहिए ओके करते हैं थैंक यू भैया थैंक यू भैया